नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारी चैनल सनफर यू में। दोस्तों आप देख रहे हैं सनफर यू और मैं हूं शुभम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं, जहां पे हम बताने वाले हैं कि फिन ईयर वाई में आप किस तरह से COVID-19 का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि COVID-19 का वैक्सीनेशन लेने के लिए 18 साल से 45 साल तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्लॉट बुकिंग करना होगा और आपको वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है आज हम पे नियर बाई की एप्स में करने वाले हैं। वैसे तो ये पूरा स्टेप जो है पूरा गवर्नमेंट की साइट में भी आपको सेम टू सेम मिल जाता है, इसीलिए आप इसको देखते रहिए। क्योंकि आप अगर पे नियर बाई की रिटेलर हैं तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं। अगर आप पे नियर बाई नहीं हैं, एक आम इंसान है, एक नॉर्मल इंसान है, तो आप चाहे तो गवर्नमेंट की साइट से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये पूरी प्रोसेस। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पेन ईयर वाई का पोर्टल अगर अपडेट नहीं है तो आप अपनी पोर्टल को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, आप जैसे ही अपनी पोर्टल को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं COVID-19 का वैक्सीनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप जैसे ही अपनी पोर्टल को ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको पे नियर बाई का यहाँ पे कुछ इस तरह का एक रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे थ्री स्टेप, ओनली थ्री स्टेप आपको फॉलो करना है, बिल्कुल इजी थ्री स्टेप, जहाँ से आप अपना COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। जैसे ही इसके ऊपर हम आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है, COVID-19 वैक्सीनेशन इन थ्री सिंपल स्टेप, और नीचे की तरफ दिया गया है कि कौन से साइट में ये जो है गवर्नमेंट की कौन से साइट में ये पोर्टल में काम हो रहा है, कौन सी पोर्टल में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और भी इजीली समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको थ्री इजी स्टेप जो है, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर योर फ्रेंड एंड फैमिली, देन चूज वैक्सीनेशन लोकेशन, देन आपको नेक्स्ट जो लास्ट वाला ऑप्शन थ्री वाला तीन नंबर स्टेप जो आपको मिलता है वो है कंफर्म द स्लॉट। तो यहाँ पे यही बस तीन स्टेप जो है आपको यही बस चूज करना है, इसीलिए हम सिंपली यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर्ड नाउ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे COVID-19 वैक्सीनेशन लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट की जो साइट है कोविन का। आप चाहे तो डायरेक्टली कोविन का साइट भी लॉग इन कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर पे नियर बाई का रिटेलर नहीं है, या तो फिर आप पे नियर बाई के बारे में जानते नहीं हैं, या तो फिर आप पे नियर बाई में नहीं है, तो आप इजीली इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं पे नियर बाई की मदद से, तो इसीलिए या तो फिर आप चाहे तो यहाँ पे दो और भी साइट दिया गया है, देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे आरोग्य सेतु, उसके साथ साथ उमंग, ये दोनों गवर्नमेंट साइट है जहाँ से आप चाहे तो COVID-19 का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन तो आप चाहे कोविन इस साइट को डाउन आप अपनी फ़ोन पे लॉग इन कीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं वी विल सेंड यू ए वन टाइम पासवर्ड ऑन योर फोन नंबर, तो इसीलिए आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर दे देना है। सिंपली हम अपनी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देखने के लिए मिलता है ये भी हम आपको दिखाने वाली हैं। चलिए यहाँ पे ओटीपी जो है हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। चलिए ओटीपी जो है हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे ओटीपी हम वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे यू कैन रजिस्टर फोर मेंबर विथ वन मोबाइल नंबर। आप जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं अपने के लिए, अपने वैक्सीनेशन के लिए, या तो फिर अपनी फैमिली की वैक्सीनेशन के लिए, इसीलिए आप चाहे तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे अपनी जो फैमिली की चार मेंबर है आप उनका नाम और उनका डिटेल्स दे सकते हैं। इसी नंबर से आप इसी नंबर से अपनी फैमिली का चार जन का डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली ये कुछ डिटेल्स दिया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो नोट्स पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपॉइंटमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन है जो 18 साल से 44 साल तक हैं, उनके लिए ही ये जो फैसिलिटीज़ ये यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो सिंपली आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके जाते हैं। रजिस्टर्ड मेंबर पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे तो अपनी आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड जैसे ही आप चूज करेंगे आधार की पूरी डिटेल्स देना होगा, नहीं तो आप चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन बुक, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे वोटर आईडी, तो बहुत सारी यहाँ पे आप स्मार्ट कार्ड भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है आप उसको यहाँ पे इजीली सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपने दे दिए हैं। मैं अपनी आधार नंबर जो है यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद कुछ डिटेल्स हमको मिल जाएगा। चलिए हमने आधार कार्ड का नंबर जो है यहाँ पे एंटर कर लिए हैं। अभी हमें जो आधार पे हमारा जो नेम है उसी नेम को यहाँ पे देना है। तो आधार एस पर आधार हमें आधार की जो नेम है उस पर यहाँ पे एंटर करना है। हम अपनी आधार की नेम जो है उसको एंटर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ एज इन आधार आपकी जन्म हुआ है आप उसी साल को यहाँ पे एंटर कर दिए। हम यहाँ पे अपनी साल जो है उसको हमने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जैसे ही हम यहाँ पे कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं। रजिस्टर देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो हमें सिंपली यहाँ पे शेड्यूल पर यहाँ पे क्लिक करना है। शेड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं, शेड्यूल नाउ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च बाई डिस्ट्रिक्ट, सर्च बाई पिन, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप पिन कोड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इजीली यहाँ पे देख सकते हैं 21436, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इसी पिन कोड के ऊपर। और जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए जिस जिस डेट पर हमें बुकिंग मिल रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वैक्सीनेशन के लिए जो डेट और जगह है, आप देख सकते हैं ये हमारा जो वैक्सीनेशन जगह है ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे आप चाहे तो इस डेट पे बुक कर सकते हैं। फुल्ली बुक है, ये बुक्ड है और ये भी बुक्ड है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप चाहे तो डेट चेंज करके आप यहाँ पे इजीली बुकिंग कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह से आपको ये बुकिंग लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बुक वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके इजीली इसको बुकिंग कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि अभी 18 साल से 44 साल तक जो बुकिंग है वो अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इसीलिए बुकिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए सारे जो बुकिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी बुक्ड है, अवेलेबल नहीं है अभी। तो इसीलिए हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा ताकि जितने जल्दी हो सके हम अपनी वैक्सीनेशन ले सकें। कोविड की जो सिचुएशन चल रहा है, दूसरा बढ़ाव जो आया है, इसमें हम सबको सेफ रहना है, स्वस्थ रहना है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप मास्क पहन के रखिए, हैंड सैनिटाइजर करते रहिए, हैंड वॉश करते रहिए जब भी आप बाहर जाते हैं, जब भी आप घर पे लौटते हैं। अपनी फैमिली को सेफ रखिए, स्वस्थ रखिए, क्योंकि घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, घर में अपनी माता पिता रहते हैं जिनके उम्र बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरे को भी स्वस्थ रखिए। वीडियो कैसी लगी है आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। और ये नई अपडेट पेनियर बाइक को देने से, या तो फिर ये नई अपडेट जो है पेनियर बाइक पे लाने में ये क्या फ़ायदा हुआ है और ये अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, आप पूरी जानकारी जो है आप अपनी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और एक बात दोस्तों, पेनियर बाइक में बहुत सारे नए नए फैसिलिटीज़ आते रहते हैं, और आप अगर एक नई शॉप ओपन करना चाहते हैं, वहाँ पे आप डिजिटल सर्विस देना चाहते हैं,
कैसे, जैसे कि कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र, कुछ इस तरह का जितने भी सारे जो ऑप्शन होते हैं, अगर आप ये देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी नंबर देके कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और पीनियर बाई की नई रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि पीनियर बाई की रिटेलर आईडी और पीनियर बाई के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको बहुत ही कम दाम में, बहुत ही एकदम चीप रेट में, आपको बहुत ही चीप रेट में एक आईडी हम प्रोवाइड करेंगे, जहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं और जहां से आप अपने बिजनेस को डिजिटली मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस कितना है ये सस्पेंस है और ये हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी जो है हम इस काम पे लगे हुए हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम पेनियर बाई की आईडी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए डिपेंड करता है कि कितना रजिस्ट्रेशन होता है, जितने ज़्यादा न्यू कनेक्शन होंगे उतने ज़्यादा रेट कमता रहेगा, उतना ज़्यादा कम रेट में हम आईडी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी जितने भी सारे फैमिली है, अपनी फ्रेंड्स जितने भी सारे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर कीजिए। और वीडियो को जितना जल्दी हो सके आप अपनी रजिस्ट्रेशन, ये वीडियो की प्रोसेस देख के आप अपनी खुद का रजिस्ट्रेशन, खुद का स्लॉट बुकिंग आप करिए। तो कुछ इस तरह का वीडियो आपके साथ शेयर करना था, वीडियो की जानकारी आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय दोस्तों।